चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नौ से वन बीटा फंक्शंस के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब इस वीडियो से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मैं चालू करने वाला हूँ। तो अभी थ्री स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप कहता है कि देखो हमारा क्वेश्चन किस टाइप को बिलोंग करता है। अगर हम हमारे क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन इन तीनों में से किस टाइप को बिलोंग करता है? टाइप नंबर टू को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर भी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ पे ही हम समझ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन फॉर्म नंबर या टाइप नंबर टू का क्वेश्चन है। ओके, अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर टू, जिस भी फॉर्म का क्वेश्चन है एग्जैक्टली उस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। मतलब पूरा वीडियो पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन को टाइप या फॉर्म नंबर टू में कन्वर्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट आंसर निकलता है और डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोली है वो चीज़ प्रूफ करेंगे इजीली। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर रेज टू सिक्स है तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जिससे हमें थोड़ा सा वेराइटी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। ओके, सो एक्स रेज टू सिक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब बहुत ध्यान देके सुनना मैं जो कह रहा हूँ। देखो, अब मैं तुम लोगों को एक गलती बताने वाला हूँ जो लोग अक्सर करते हैं। एक्स रेज टू सिक्स को हम एक्स रेज टू सेवन माइनस वन लिख सकते हैं ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एम प्लस एन है राइट, जिसमें से जो एम है वो सेवन है। देखो एम सेवन है राइट, तो सेवन तो चाहिए, प्लस क्या इज इक्वल टू सिक्स। मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो तो भी आंसर सिक्स नहीं आने वाला, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो हम अटक गए। ओके, अब जब तुम्हारा ऐसा सिचुएशन होता है तुम्हें बैक ट्रैक करना होता है। बैक ट्रैक करने के बाद तुम्हें मेरा हैक नंबर वन यूज़ करना होता है। और हमेशा जब हमारा क्वेश्चन फॉर्म नंबर वन या टू का होता है हमें हैक नंबर वन यूज़ करना होता है। हैक नंबर वन क्या कहता है, पुट सेकंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इनटू टी। सो अभी हम हमेशा ब्रैकेट की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मैन है, ये हमारा सेकंड मैन है। सो पुट सेकंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन, यानी कि वन इंटू टी, वन इंटू टी टी होता है। अब इस साइड का जो टर्म है इसको हमें नंगा पोंगा करना होता है हमेशा, मतलब बेसिकली सिंगल करना होता है। अगर इसको हमें नंगा पोंगा करना है तो दोनों टर्म्स को हमें रेज टू वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस टर्म को हम रेज टू वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी एक्स रेज टू टू अपॉइंट टू, दैट वुड बी एक्स रेज टू वन, दैट वुड बी एक्स, यानी कि ये नंगा हो चुका है। अब इसको भी रेज टू वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज टी रेज टू वन अपॉइंट टू। देन दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, एंड वन अपॉन टू माइनस वन, दैट इज वन अपॉन टू माइनस वन क्या होता है, टू और वन माइनस टू दैट इज माइनस वन अपॉन टू। ओ यार बहुत ज़्यादा इजी था, माइनस वन अपॉन टू, सॉरी फॉर दैट। देन एंड डी टी। अब इसके बाद जब भी हम पुट वगैरह करते हैं हमें ये देखना होता है कि क्या इसकी वजह से हमारे लिमिट्स पे कोई असर पड़ा क्या। तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स एंड टी, दो लिमिट्स है हमारे जीरो और इन्फिनिटी, जीरो एंड इन्फिनिटी। अगर एक्स जीरो है तो क्या टी भी जीरो होगा? एक्स की जगह पे जीरो डाल दो, हाँ टी भी जीरो होगा। अगर एक्स इन्फिनिटी है तो क्या टी भी इन्फिनिटी होगा? एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डाल दो तो हाँ एक्स टी भी इन्फिनिटी होगा। सो मतलब लिमिट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। सो जो भी हमने यहाँ पे निकाला है हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे, जीरो टू इन्फिनिटी। देन एक्स रेज टू सिक्स, अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स रेज टू सिक्स क्या होगा, टी क्यूब राइट। सो टी क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टी है एंड रेज टू सिक्स डी एक्स। डी एक्स क्या है, वन अपॉन टू टी रेज टू माइनस वन अपॉन टू डी टी। अब ये जो कचरा है वन अपॉन टू यानी कि कॉन्स्टेंट, इसको हम बाहर लेके जाएंगे जीरो टू इन्फिनिटी। अब दिस इंटू दिस दैट वुड बी टी रेज टू थ्री माइनस वन अपॉन टू। थ्री माइनस वन अपॉन टू क्या होता है, थ्री टू दिक्स, सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव, दैट इज फाइव अपॉन टू, यानी कि टी रेज टू फाइव अपॉन टू एंड अपॉन ये वैसे का वैसा वन प्लस टी रेज टू सिक्स डी टी। ओके, अब ये जो है वो काफ़ी हद तक इस फॉर्म में आ चुका है, हमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ओके, एंड हम हमारे गोल की तरफ पहुंच जाएंगे फिर। सो अभी आगे क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी। अब टी रेज टू, अब यहाँ पे क्या लिखूँ मैं
ताकि m माइनस वन के फॉर्म में आ जाए। अगर यहाँ पे ऊपर मैं 7/2 -1 लिखूँगा तो ये m माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा। तो 7/2 -1 राइट, 7/2 -1 5/2 ही होता है, एंड नीचे 1+t। अब यहाँ पे m प्लस n चाहिए जिसमें से m 7/2 होना ही चाहिए क्योंकि m 7/2 ही है राइट। तो 7/2, तो 7/2 प्लस क्या 6 आता है, तो 7/2 + 5/2 = 6। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 6 ही आता है, एंड आगे dt वैसे का वैसा। अब ये जो है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ चुका है ठीक है। बट इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह है कि डायरेक्ट आंसर निकलता है विच इज़ बीटा m कॉमा n। m क्या है, ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो 7/2 - 5/2 ये हमारा आंसर है। बट अभी भी हमारा आंसर ये नहीं है, हमें ये निकालना है। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, सो बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ गामा 7/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 7/2 + 5/2 दैट इज 6। अब ये जो है ये गामा की चीज़ें सारी की सारी, अगर आपको गामा फंक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता तो आप मेरे गामा फंक्शंस के वीडियोस देख सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको गामा फंक्शंस आता है तो आप ये इसको इनको बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ 1/2 × इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5/2 × 3/2 × 1/2 × √π × इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3/2 × 1/2 × √π एंड अपॉन गामा 6 = 5 factorial। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, ऊपर के सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 × 3 = 15, 15 × 3 दैट इज 45 अपॉन, एंड उसके बाद दिस इंटू दिस दैट इज पाई अपॉन 2 × 4 = 4 × 8 = 16, 16 × 32 = 32 × 2 = 64, 64 अपॉन 5 का फैक्टोरियल दैट इज 5 × 4 दैट इज 20, 20 × 3 दैट इज 60, 60 × 2 दैट इज 120। उसके बाद 45 पाई अपॉन दिस इंटू दिस हो जाएगा राइट, मतलब ये नीचे आएगा तो दिस इंटू दिस हो जाएगा दैट इज 7680। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे दैट वुड बी 3π/512 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी दिस। व्हाट्स अप प्लैनेटोजी सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पर जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इसे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं राइट। इसलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।